आई वॉज रिक्रिएट दिस ड्रेस, ये मुझे ऑर्डर मिला था, इट्स कॉस्ट अराउंड 5,450. लेट्स सी कि ये मुझे कितने बजट में पड़ता है. और उसके बाद इसकी डिटेलिंग की बात की जाए तो प्लेटेड फैब्रिक है फॉर फ्लेयर, शिफॉन है फॉर बॉडी एंड लेस से इसकी फिनिशिंग हुई. इसको बनाना स्टार्ट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू अनदर व्लॉग. जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा, मैं एक ड्रेस रिक्रिएट कर रही हूँ. बेसिकली मुझे वो ऑर्डर मिला है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप था कि मुझे फैब्रिक लेना था. उसके लिए आई वेंट टू मार्केट, बट जाते ही मरी रोड के कुछ इस तरह के हालात थे. बट आई वॉज़ कन्फ्यूज कि शॉप्स खुली होंगी या नहीं, बट खुली हुई थी. जाते ही गुल सेंटर में, ये अली मैचिंग सेंटर है, ये इसका कार्ड है. तो मैं एक शॉप का ओवरव्यू आप लोगों को दे देती हूँ. उसमें यहाँ पे प्लेन वेलवेट और वाइट, जो यहाँ पे चिकनकारी के और फैंसी वाइट जो कपड़ा होता है फॉर ब्राइडल ड्रेसेस या आप किसी भी फंक्शन में आप पहन सकते हैं, उस वो फैब्रिक है. उसको डाइबल भी होता है. उसके बाद इनके पास प्लेन फैब्रिक है फॉर मैचिंग, क्योंकि मैचिंग सेंटर है. आपको किसी किस्म का भी प्लेन फैब्रिक चाहिए तो वो भी मिल जाएगा. ये वाला क्रस्ट फैब्रिक भी था. ये कुछ स्टिच ड्रेसेस भी थे इनके पास अवेलेबल. तो आप लोग अगर गुल सेंटर वाली साइड पे जाएँ तो ये बेसमेंट में इंटर होते ही फर्स्ट शॉप है. तो डू विजिट दिस शॉप. इनका यूट्यूब चैनल भी आप उधर वो भी विजिट कर सकते. ये प्लेन वेलवेट का प्लेन वेलवेट जो ना 6,000 रुपये का होगा. 6,000 का कपड़ा, 4,500 वो रेट तो. और ये वाला जो क्रस्ट आपके पास पड़ा हुआ है दुपट्टे, अच्छा. और एक दुपट्टा कितने का बन जाएगा? 1,200 रुपये जी, 1,250 का बनता है, लेकिन 1,000 रुपये फाइनल आपको लगा. ये किस तरह का है? 800 रुपये लगा. ये 800 फाइनल करेंगे. आपको कितना चाहिए इस टाइम? जाते ही पहली ही शॉप से मुझे ये फैब्रिक मिल गया जो मुझे चाहिए था. आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, काफ़ी सिमिलर है. काफ़ी का बिल्कुल ही सेम है. और ये सिल्क पे था प्लीटेड फैब्रिक. ये 800 पर यार्ड मुझे मिला और 3.5 यार्ड मैंने जो है इसको लिया फॉर फ्लेयर, क्योंकि ये लोग जब मेयर करते हैं तो कपड़ा खींच के करते हैं प्लीटेड्स, फिर वो खुल जाती हैं, बट हमें तो दूसरी तरह यूज़ करना है. तो इसलिए फिर ये 3.5 यार्ड मुझे लगा कि इतना ही सही होगा, क्योंकि मेरे अंदाज़े में पहले 2 यार्ड था, बट वो बहुत कम होता. खैर मैंने वो वाला फैब्रिक ले लिया, वो मुझे 2,800 का पड़ा. उसके बाद ये मैंने शिफॉन वाइट शिफॉन ली और उसको मैंने डाई करवाना था फॉर बॉडी के लिए, क्योंकि वो कलर मुझे ना मिलता इस तरह से. फिर ऐसे ही खवारी करने से अच्छा था मैंने इसी शॉप से वाइट शिफॉन फैब्रिक ले लिया और वो मुझे 300 पर यार्ड पड़ा. तो 2 यार्ड मैंने लिया और उसके लिए मैंने 600 इनको पे किए. और उसके बाद डाई का इन्होंने मुझे बताया कि वो 200 लेगा डाई के लिए, तो मैंने कहा चलो ये ठीक है, ऐसे से ही ले लेती हूँ. और ये जो है इस तरह से मैंने यहाँ से कपड़ा ले लिया इस शॉप से. तो आप लोग कभी भी यहाँ जाओ तो इस शॉप को लाजमी विज़िट करिएगा. ये इंटर होते ही फर्स्ट शॉप है, तो आपको ये है कि लाइक जो कपड़ा इनके पास नहीं होगा वो भी ये मंगवा के दे सकते हैं. उसके बाद मैं डाई वाले के पास गई. वहाँ से बाहर ही आप निकलोगे तो काफ़ी 2-3 डाई वाले हैं, तो आप इजीली डाई करवा सकते हैं. डाई करवाना है शॉपर पकड़ो इस कलर का, ये वाला फैब्रिक. हाँ जी, ये शिफॉन का है, बस वो बॉडी लगानी है, हो जाएगा. अच्छा, ये दोनों पीस फिर इधर ही छोड़ के जाओ. कितने पैसे लेंगे? हमें उन्होंने टाइम बताया 30 मिनट्स. अब हमारे पास 30 मिनट्स थे फॉर लाइक कुछ करने के लिए, तो हमारे पास कुछ था नहीं करने के लिए, क्योंकि मैंने स्लिप लेनी थी डाई होने के बाद ही, वो फिर मैं लेती. तो इसलिए फिर मैंने जो है वो सोचा कि अब थोड़ी सी मार्केट ही विज़िट कर लेती हूँ अंदर जाके. मरी रोड के स्टिल वही हालात थे, जाम थे बिल्कुल, ब्लॉक थी. खैर मैं अंदर चली गई और यहाँ पर काफ़ी सारे ड्रेसेस थे, फैंसी ड्रेसेस और बहुत सारी वैरायटी में. और यहाँ पर एक सिक की शॉप थी और 35% ऑफ चल रहा था. यहाँ पर जेंट्स का फैब्रिक था सारा. और यहाँ पर काफ़ी ये वाला सूट कितने का है? इस ड्रेस की 3-पीस ड्रेस की फुली एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट ड्रेस है. ये 16,000 का था. और उसके बाद यहाँ पे कुछ साड़ी थी और कुछ इंडियन लहंगे भी थे, एक दो शॉप्स में मैंने देखे बाय डिस्प्ले हुए हुए थे. और जो है उसके बाद ये मेहंदी के दुपट्टे, ये वाली शॉप बहुत अच्छी थी फॉर मेहंदी की शॉपिंग अगर आपने करनी है उससे रिलेटेड, तो ये बहुत अच्छी शॉप थी. ये वाला जो दुपट्टा था वो 8,000 का उन्होंने मुझे बताया,
मैंने राजा बाज़ार से लिया था, मुझे थोड़ा कम में मिला था, बट बंदा बार्गेनिंग करके रेट वगैरह कम करवा सकता है, बट मेहंदी के लिहाज से वो शॉप बहुत अच्छी थी। ये फिर दोबारा इंडियन लहंगा मेरे आगे आ गया। किस तरह गज है? 1800। ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये डबल, इसे आप कह रहे इससे थोड़ा और गैप हो ना? जी जी, नहीं होता, नहीं मिलेगा, नामुमकिन है। ये बहुत हैवी हो जाएगा, साड़ी बनानी है, मतलब ये 1800 रुपये का है। अच्छा, 1500। ये डबल शेड और यही वाला फैब्रिक मैंने किसी और शॉप से पूछा, वो 1500 रेट बता रहा था। और जो है ये मुझे साड़ी के लिए एक कस्टमर ने कहा था कि लाइक ऑर्डर था मेरा, तो इसके लिए मैं पूछ रही थी। और हर शॉप के ना डिफरेंट रेट हैं, तो आपको लाइक घूम फिर के तो फिर ये चीज़ लेनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ ड्रेसेस थे ऑन सेल थे, ये सारे शिफॉन के ड्रेसेस थे 3000-3500 इस तरह से। और फिर मैं डाई वाले अंकल को देखने गई, 30 मिनट्स हो गए थे तो वो भी कर रहे थे। तो फिर मैं दोबारा लाइक यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैं अंदर चली गई दोबारा। और यहाँ पर मैंने लाइक साइड पर टोटल एक्सपेंस उस ड्रेस का लिखा हुआ है, तो देखते हैं कि ये कितने का टोटल बनता है। आई होप कि लाइक कम ही बने, क्योंकि जितना वेबसाइट पे है उससे कम ही हो। तो यहाँ पे अंदर आते ही मुझे एक शॉप कॉर्नर से नज़र आई, वहाँ पे सारी शॉल्स वगैरह थी 2500 इस तरह के रेट थे। और उसके बाद मैंने देखा कि वो अंकल कपड़ा जो है वो सुखा रहे हैं, तो फिर मैं लेने चली गई उनसे। डाई हो गया था, आई होप कि वो सेम कलर ही डाई हुआ हो, दूर से तो वो सही लग रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे मैंने उनको डाई के 200 रुपीज़ दिए, तो ये हमारे टोटल एक्सपेंस पे अब 200 और ऐड हो गया। तो ये कुछ इस तरह का कलर डाई था और बिल्कुल सेम मैचिंग थी, और मैं लाइक खुश हो गई कि शुक्र है चलो ये काम आसान हो गया। उसके बाद मुझे उसके साथ स्लिप लेनी थी, वो मैं एक शॉप में गई, वो वहाँ से ली कलर। ये कि ईज़िली मिल गया, वरना ये होता है कि अक्सर कस्टमर के मेरे ड्रेसेस होते हैं मुझे कलर्स ही नहीं मिल रहे होते, तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट है कि आप शिफॉन प्लेन शिफॉन लो वाइट और उसको डाई करवा लो। और मुझे ये वाला लाइक आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि घूमने में कलर ढूंढने में ना बहुत टाइम लग जाता है और टाइम भी आपका वेस्ट होता है। यहाँ पे मैंने स्लिप ली, 180 की मुझे स्लिप मिली, और यहाँ पे एक वाइट फैब्रिक मुझे अच्छा लग रहा था और मैंने उनसे ये वाला फैब्रिक पूछा, सीक्वेंस वर्क पे था ये वाला, और ये 2500 पर यार्ड था। मुझे लगा शायद कम होगा, साड़ी के लिए मैं पूछ रही थी, जो पहले वाला पूछा था मुझे उससे निस्बत ये वाला लाइक अच्छा लगा था, थोड़ा कम इसमें था, वो वाला बहुत हैवी हो जाता, तो ये 2500 पर यार्ड था, मुझे लगा शायद कम होगा। खैर वो फिर अब जो है मुझे करना ये था कि मुझे लेस लेनी थी सिर्फ, क्योंकि बाकी चीज़ें मैं ले चुकी थी। और इसका जो है लेस लेने के लिए इसी प्लाजे को मैंने चूज़ किया, वरना मैं लेसेस ये होता है कि उधर से लेती हूँ, मोती बाज़ार से जाके लेती हूँ। उस साइड पे एक मोती बाज़ार है या कोई और बाज़ार है, मैं उसका भी विज़िट आप लोगों को करवा दूँगी, क्योंकि मैं अपने बाबा के साथ जाती हूँ तो मुझे नहीं पता उस लाइक एग्जैक्ट जगह का नाम, तो उसकी भी मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगी बहुत जल्द जब मैं उधर जाऊँगी। जब मुझे ज़्यादा लेसेस लेनी होती है तो मैं उधर से जाके पूरे पूरे बंडल्स ले लेती हूँ, तो वो काफ़ी रीज़नेबल पड़ जाते हैं, क्योंकि शॉप से जब हम लेस लेते हैं तो वो एक्सपेंसिव पड़ती है। खैर मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा लेस चाहिए नहीं थी, सिर्फ 2 गज चाहिए थी, 2 यार्ड, तो इसलिए मैंने फिर कहा कि क्या इतनी दूर जाना और वो करना, फिर मैंने यहीं से ले ली। और पहली शॉप में मैं गई, ये वाली लेस थी, ये मुझे अच्छी लगी, लेकिन कलर मैच नहीं था, क्योंकि ये चिकन की लेस थी, वो ज़रा उसी तरह के ड्रेस में लगी हुई है। लेकिन फिर खैर मैं दूसरी शॉप पे गई और इसको अलग से मुझे डाई करवाना पड़ा, ये थोड़ा सा लाइक बीच में बैड सीन हो गया, क्योंकि अगर मुझे पहले पता होता लेस नहीं मिलनी थी तो फिर मैं एक साथ उसको डाई करवा लेती, अलग से पैसे ना लगते मेरे। तो ये वाली लेस ली, मुझे 100 रुपीज़ पर यार्ड दी उन्होंने, खैर इतने की बनती तो नहीं थी, लेकिन खैर मुझे लेनी थी, पर खैर मैंने चुप करके ले ली, वरना रेट्स जो हैं वो मुझे भी पता है, क्योंकि मैं लेती रहती हूँ लेसेस। और फिर ये मैंने जाके दोबारा उन्हीं डाई वाले अंकल को दी और डाई के लिए, और फिर इतनी देर में उन्होंने हमें 1 घंटा बताया, फिर हमने खाना खा लिया। उसके बाद जाके लेस ली, लेस के 100 रुपीज़ मैंने दिए डाई के, और ज़्यादा मांग रहे थे लेकिन मैंने 100 दिए, और इसका टोटल एक्सपेंस 4080 रुपीज़ में मुझे ये पूरा एक्सपेंस पड़ा इस ड्रेस का। इसको मैं बनाऊँगी, वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, स्टे ट्यून्ड।